हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली फूड नेस्ट, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम जा रहे हैं कमला नगर कुछ ब्रेकफास्ट प्लेसेस एक्सप्लोर करने, जहां 100 रुपीज से कम में काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन हमें मिल सकता है। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Being Delhiites, our first breakfast option had to be chhole bhature, and chaache di hatti se better option kahan hoga Kamla Nagar mein? So if you have studied in DU North campus, then aapko is shop ke baare mein zarur pata hoga. The only problem at this place is the queue. Shop kaafi choti hai, par aap din mein kabhi bhi chale jao, line mein wait karna hi padega, and around 10 to 12 minutes lag hi jata hai aapka order aane mein. Yahan aapko milenge two type ke bhature, saade wale and aloo wale. We are having their aloo wale bhature. And just opposite to Chaache Di Hatti, we found this shop jahan mil raha tha banta, jisko hum kanche ki bottle ke naam se bhi bahut jante hain. So it was mixed with lemon juice, chaat masala and kala namak, making it a perfect carbonated drink to have with our chole bhature. And it costed us only rupees 25. सो 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद हमारी छोले भटूरे की प्लेट फाइनली आ गई है। तो जो भटूरे हैं यहाँ के, वो काफ़ी सॉफ्ट और फ्लफी हैं, दे आर नॉट एट ऑल क्रिस्पी, एंड आलू की काफ़ी जनरस स्टफिंग की हुई है। साथ में ये लोग सर्व करते हैं प्याज और हरी मिर्च। जो छोले हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइनी हैं और अच्छे से कुक्ड हैं। टेस्ट की अगर बात करें तो छोले मीडियम स्पाइसी हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। यहाँ आपको इनके छोले मसाले का ब्लेंड भी अलग से मिल सकता है, सो यू कैन कुक सिमिलर छोले एट होम एज वेल। सो यहाँ पे एक प्लेट आपको रुपीज 60 की मिलेगी, विच आई थिंक इज वेरी रीजनेबल कंसिडरिंग द टेस्ट। एंड यू हैव टू ट्राई दिस लेमन सोडा अलॉन्ग विथ छोले भटूरे। चाची दी हट्टी से थोड़ा आगे बढ़ के यू विल फाइंड दिस शॉप कॉल SS अमृतसरी कुल्चा, विच इज अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। हेयर यू विल फाइंड 5 to 6 डिफरेंट वराइटीज ऑफ कुल्चा। ऑल्सो यहाँ आपको मैदे वाले एंड आटे वाले दोनों का ऑप्शन मिलेगा। सो इफ यू आर समवन हु वॉन्ट्स टू मेक देयर कुल्चा अ लिटिल लेस फुलफिलिंग, यू कैन टेक देयर आटा वाला कुल्चा विदाउट और विद लेस बटर। वी आर हैविंग देयर आलू प्याज कुल्चा, जिसमें ये आलू और प्याज को कुछ स्पाइसेस के साथ मिक्स करके अच्छे से मैदे में स्टफ करते हैं, उसके बाद उसे बेल के पकाते हैं तंदूर के अंदर, देन इस पे लगता है काफ़ी सारा अमूल बटर। तो कुल्चे के साथ ये सर्व करते हैं छोले एंड इमली प्याज की चटनी, जो कि बहुत ज़्यादा वाटरी है टेक्स्चर में। The only problem here was, unlike Chaache Di Hatti, they were not wearing gloves, and maybe that was one of the reasons why less people were coming there. So here we have our plate now. So जो कुल्चा है वो काफ़ी ज़्यादा crispy है, आलू प्याज की stuffing बहुत अच्छे से की हुई है उसमें। And अगर हम taste की बात करें तो कुल्चे का taste बहुत अच्छा है। जो छोले हैं वो थोड़े watery हैं, but taste काफ़ी अच्छा लगा कुल्चे के साथ। जो इमली चटनी है उसमें नमक बहुत ज़्यादा है, सो आप चाहो तो उसको अवॉइड भी कर सकते हो। सो ये एक प्लेट हमें पड़ी 60 रुपीज की, एंड ये एक बंदे के लिए मोर देन सफिशियंट है। अवर थर्ड लोकेशन फॉर ब्रेकफास्ट इज बिल्ले दी हट्टी, जो मेन मार्केट से थोड़ा दूर है। ये 60 ईयर्स ओल्ड शॉप है एंड मेनली छोले पूरी एंड लस्सी के लिए फेमस है। यहाँ की पूरी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि मैदा और सूजी को मिक्स करके बनाते हैं, जिससे ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है। देवर ऑल्सो मेकिंग अनरसा, जो कि एक स्वीट डिश है, चावल का आटा और मावा को मिक्स करके बनाई जाती है। ये स्वीट आपको यहाँ सिर्फ फेस्टिवल्स के टाइम ही मिलेगी, जैसे अभी लोहड़ी के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ आपको कचौरी सब्जी भी मिलेगा, और लस्सी में स्वीट एंड सॉल्टी दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्वीट्स में आपको गुलाब जामुन एंड सूजी का हलवा मिलेगा। इसके अलावा कुछ नॉर्थ इंडियन डिशेस भी लंच में सर्व करना स्टार्ट किया है, जो हम फ्यूचर वीडियोस में ज़रूर कवर करेंगे। यहाँ आपको एक काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस सिटिंग स्पेस भी मिल जाएगा, जो कि हमें और किसी आउटलेट पर नहीं मिला था कमला नगर में। जो पूरी है यहाँ वो बहुत ज़्यादा फ्लफी और क्रिस्पी है। इसके साथ जो छोले की सब्ज़ी है वो बिना गार्लिक एंड अनियन की बनी है, एंड इस पर सिर्फ मसालों का तड़का लगाया गया है। इसके साथ प्लेट में यहाँ मिलता है गाजर का अचार, प्याज और मेथी की चटनी। टेस्ट की अगर बात करें तो सब्ज़ी काफ़ी स्पाइसी है, और पूरी के साथ इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है।
सो ये एक प्लेट छोले पूरी की ₹65 की पड़ी। इसके अलावा हमने सॉल्टी लस्सी भी ली जो टेक्सचर में बहुत ज़्यादा थिक है और साथ में ऊपर मलाई और कुछ स्पाइसेस भी हैं। सो ये 130 में काफ़ी अच्छा कॉम्बो बन जाता है छोले पूरी एंड लस्सी का। सो आप कमलन अगर आते हो तो ये जगह भी ज़रूर ट्राई करना। सो दैट वॉज ऑल इन अवर वीडियो टूडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा डू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब भी कर दो। ऑल्सो हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, हैंडल इज डेली फूडनेस। सो अगर आप ऑलरेडी फॉलो नहीं किए हुए हो तो अभी जाके फॉलो करो। एंड सी यू ऑल गाइज लेटर।